धौलपुर की बाड़ी से है, जहां बुद्धा के पुरा गांव के दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने ओलावृष्टि में हुए फसल खराबे को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने ओलावृष्टि में हुई फसल बर्बाद के उचित मुआवजे की मांग की है। किसान मांगीलाल ने इस दौरान बताया कि ओलावृष्टि में सरसों और गेहूं की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और सरसों की फसल की कटाई का समय ये था, वहीं गेहूं की फसल पकाव की स्थिति में थी। ऐसे में ओलावृष्टि होने से फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। आपासी है, कहाँ से कर्जा छुपाएंगे? आप लेकर बैठे हैं, क्या करें? गरीब आदमी है, आप कृपा करके क्या से छुपाएंगे, क्या सुनाएंगे, क्या होगा? हम काम से आए, हमारी फसल नष्ट हो चुकी है। हम कलेक्टर साहब पर ज्ञापन देने आए हैं। हम अपनी संतान को किस तरीके से पालें? हमारे पास और कोई चारा है नहीं, क्योंकि हमारे पास, हम किसान हैं, हम किसान ही का काम कर सकते, खेती का काम कर सकते।